शहर के कोठी इलाके में वाक़ तकरीबन 400 साल कदीम मंदिर में एक मजहबी तकरीब का इनेकाद अमल में आया। मंदिर इंतजामिया कमेटी के कारकुन ने बताया कि इस मजहबी तकरीब में तकरीबन 4 से 5 हज़ार अकीदतमंद प्रसाद लेते हैं और अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। बोल लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। बड़ी खुशी की बात है, 400 वर्ष पुराना ये प्राचीन नरसिंह स्वामी का मंदिर जो आज यहाँ पर भव्य अंकुट प्रसाद का कार्यक्रम होने जा रहा है, यहाँ पर कम से कम 4000 से 5000 भक्तगण बगैर रुके कंटिन्यूस प्रसाद लेते हैं और उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होती है। और यहाँ पर हमारे यहाँ पर कमल नारायण जी अग्रवाल यहाँ के ट्रस्टी जो है और उनका भी बहुत सहयोग है। और ये नरसिंह मंदिर के पुजारी श्री रमेश महाराज और सभी कार्यकर्ता यहाँ पर बढ़ चढ़ कर जो काम करते हैं उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और यह मंदिर एक प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मंदिर जो रमेश महाराज जी के जो दादा परदादा और पिछले 400 वर्ष से यह मंदिर को देखते आ रहे हैं। और स्वर्गीय श्री परालाल जी पीती, श्री बद्री विशाल जी पीती, श्री बद्रीनारायण जी राठी, श्री गोविंदराम जी लोया, श्री भगवान दास गिरधरदास जी, श्री मदन लोया, श्री वंदनलाल वृंदावन लाल जी पीती इसके ट्रस्टी रह चुके हैं और उन्होंने इस मंदिर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कार्य किया। इसके लिए मैं उन्हें आज यहाँ पर याद करता हूँ और ख़ास कर यहाँ पर जो पुजारी है पंडित रमेश महाराज, उनका तो कहना ही क्या है क्योंकि वे जिस तरह से यहाँ पर कार्य करते हैं वह सराहनीय है। और आप यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से श्रद्धालु भक्तगण यहाँ पर नरसिंह मंदिर पर दर्शन प्रसाद के लिए यहाँ पर आते हैं, बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी तकलीफ़ के यहाँ पर दर्शन करते हैं। और यह नरसिंह मंदिर में अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, यहाँ पर वैष्णव सत्संग मंडल द्वारा एक महीने धनुर्मास का भी कार्यक्रम होता है और उस धनुर्मास के कार्यक्रम में भी काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं और सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक वो कार्यक्रम चलता है। इसके साथ साथ नरसिंह जयंती का भी कार्यक्रम होता है और नरसिंह जयंती का कार्यक्रम किस तरह से होता है आपको पता है, यहाँ पर अवतार बनते हैं और वे 1 घंटे तक जो मुकुट धारण कर उसमें सांस की भी तकलीफ़ होती है और वो जाकर 1.5 घंटे तक भगवान नरसिंह स्वामी भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। और ख़ास बात तो ये है, आज यहाँ पर जो भक्तगण यहाँ पर पधारे हैं और यहाँ पर उनको यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं होती है क्योंकि ये मंदिर ही ऐसा एक प्राचीन मंदिर है जो यहाँ पर सभी की खुशी होती है। और मैं सभी भक्तों को आज यहाँ पर पधारे सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, साथ ही हमारे जो अध्यक्ष है कमल नारायण जी अग्रवाल को भी धन्यवाद देता हूँ, रमेश पुजारी जी को, सुमित राठी को, घनश्याम तोश्रीवाल को, नारायण दास भराड़िया को और श्रीनिवास लोया, सभी जो कार्यकर्ता है उनको मैं यहाँ पर जो तन मन और धन तो खैर नरसिंह स्वामी के पास काफ़ी है और उनको मैं पुनः पुनः धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय नरसिंह महाराज की जय, जय तेलंगाना।